अरे एमपी साहब, आप टिकट जरूर लेके आए हैं, लेकिन वोट वोट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। वोट तो हम देंगे तब आपको मिलेंगे, वोट हमारे पास है, हमारा वोट लगता है। आपके अकेले के वोट से आप नहीं जीत सकते, 36 कौम के वोट चाहिए, और 36 कौम की जनता आपको कभी ऐसे आप हेलीकॉप्टर से टिकट लेके आओगे कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये किसी को भी मंजूर नहीं है। क्या आप सबको मंजूर है? ये किसी भी कार्यकर्ता को मंजूर नहीं है। अगर एमपी साहब को टिकट लाना था तो इन दोनों को गुमराह नहीं करना था, इनको फील्ड में नहीं भेजना था। इनको गुमराह करते रहे, कार्यकर्ताओं को गुमराह करते रहे कि आप छोड़ो, इस बार जीवाराम को टिकट मिलेगा, इस बार दानाराम को टिकट मिलेगा। अरे आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, ये धोखा आपको होगा एमपी साहब, इतना बड़ा धोखा। हमें इतना दुख हुआ है कल से कि रात को न तो खाना गया, मैं कसम से रात को 3 बजे तक मेरे को नींद नहीं आई। मैंने कहा एक व्यवसायी युवा मेरे जैसे व्यवसायी जो अपना बिजनेस कर रहा था अहमदाबाद में, उस बेचारे व्यवसायी को पकड़ कर यहाँ लाते हैं, टिकट दिलाते हैं, हार जीत होती रहती है, चुनाव लड़ते हैं, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, कोई गम नहीं है उसका, हार जीत चुनाव में होती रहती है। लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और कार्यकर्ताओं का हौसला हमेशा अफजाई करता रहा, हमेशा फील्ड में यही कहता रहा आप चिंता मत करो मैं आपके साथ हूँ। उस बंदे ने 5 साल दिन रात मेहनत की, तन मन धन अपना लगाया और उसके साथ ऐसा विश्वासघात, मैं तो कहता हूँ भगवान के घर भी आपको जगह नहीं मिलेगी। ऐसा धोखा किसी के साथ मत करो, ये धोखा आपके साथ ही होगा। और मेरा आप सभी 36 कौम से एक विशेष निवेदन है कि इस तरीके से हम सबका मामला पार पड़ने वाला नहीं है। मैं तो इस चौधरी समाज के ये जो आगेवान यहाँ बैठे हैं उनको भी कहूँ, बुरा लगे तो भले आपको 1000 बार लगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 36 कौम बार बार आप पर विश्वास कर रही है और आप रोज नया नया कैंडिडेट चेंज करके भेज देते हो, तो ये हम कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? हमें भी तो गाँव में जवाब देना पड़ता है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा? हमारे पीछे हमारे और भी हमारे भी भाई सैन बंधु गिनायत, हमारे कोई 36 कौम के भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी वो भी हम पर विश्वास करते हैं, उनके साथ भी तो धोखा हो रहा है। ऐसे धोखा मत करो, मेरा आप सभी से विशेष निवेदन है कि आप सब एक रहो और एक मजबूत संगठन बनाओ। अगर समय रहते हाईकमान टिकट चेंज नहीं करता है तो मेरा विचार है और मेरा मत है कि तीसरा मोर्चा खड़ा करो, इन दोनों में से किसी को भी उम्मीदवार बनाओ और हम जीता के भेजेंगे तन मन और धन से। जय हिंद जय भारत।